हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम सरल करेंगे बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ। हम खंड सी सॉल्व करेंगे। इसमें प्रत्येक में दो क्वेश्चन दे रहेंगे, एक अथवा होगा, उन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। प्रत्येक 3 मार्क का होगा। हम यहाँ आपकी सुविधा के लिए दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। हमारा फलन एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स बराबर एक के लिए डीवाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। हमें ये फॉर्मूला पता है कि लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, और जब चर की घात चर होती है तो सबसे पहले हमें लॉग लेना पड़ता है। एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इजिकल टू 1, हमें क्या ज्ञात करना है, डीवाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की पावर वाई को यू मान लेंगे और वाई की पावर एक्स को वी मान लेंगे। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो यहां से क्या हुआ, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, और 1 का हमें पता है 0 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब u का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो u बराबर x की पावर y है, लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो ये हो गया लॉग u, और जब लॉग लेंगे तो ये घात आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो गया y log x। तो इसका अवकलन क्या हो गया, 1/u du अपॉन डी एक्स, और इसका देखो y को ऐसे ही रखा, log x को हो गया 1/x, फिर log x को ऐसे ही रखा, इसका हो गया dy अपॉन डी एक्स। तो du अपॉन डी एक्स, ये u इस साइड में आ जाएगा, तो क्या बचेगा, y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन डी एक्स। वापिस u का मान रख देंगे x की पावर y, ये मान रख दिया x की पावर y, और y अपॉन x प्लस log x डीवाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो v बराबर y की पावर x है, दोनों तरफ log लिया तो log v, घात आगे आ गई x log y, इसका क्या हो जाएगा, 1/ v dv अपॉन डी एक्स, और इसका देखो x को ऐसे ही रखा, इसका हो गया 1/ y, और y का हो गया dy अपॉन डी एक्स, प्लस log y को ऐसे ही रखा, x का हो गया 1। ये dv अपॉन डी एक्स बराबर, ये v उस साइड में चला जाएगा, तो x अपॉन y डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस log y, फिर हमने वापस इस v का मान रख देंगे, तो dv अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v का मान हो गया y की पावर x, ये हो गया x अपॉन y डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस log y, ये हो गया समीकरण 3। ये 2 और 3, इन दोनों के मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो देखो du अपॉन डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, x की पावर y कोष्टक y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन डी एक्स, और प्लस dv अपॉन डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से y की पावर x कोष्टक x अपॉन y dy अपॉन डी एक्स प्लस log y बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो x की पावर y इंटू y अपॉन x, और x की पावर y log x dy upon dx, इसी प्रकार इसको भी अंदर गुणा कर देंगे, तो y की पावर x x 1/ y dy upon dx, और ये अंदर गुणा किया तो y की पावर x log y बराबर 0, dy upon dx दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, x की पावर y log x प्लस y की पावर x x 1/ y, ये dy upon dx कॉमन ले लिया, और ये पद ऐसा ही लिख दिया, y की पावर x log y बराबर 0। तो यहाँ से देखो ये x ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया, ये घात कम हो जाएगी, x की पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस, इस पद को मैंने आगे लिख दिया, y की पावर x log y, और x की पावर y log x प्लस, ये यहाँ से ये घात कम हो जाएगी y की, तो ये हो गया y की पावर x माइनस 1 x कोष्टक 1 डिवाइड अपॉन dx बराबर 0। अब देखो इस पद को तो मैंने एज इट इज ऐसे ही रखा, इसको मैं पक्षांतर करके उधर ले गया, तो ये हो गया माइनस का, तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या हो गया, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो dy अपॉन dx ही आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया dy अपॉन dx इजिकल टू माइनस x की पावर y माइनस 1 y प्लस y की पावर x log y बट्टा x की पावर y log x प्लस y x माइनस
1x, ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।